Hi guys, welcome to our channel, The Duo Diaries. We create content related to travel, food and lifestyle. मैं हूँ नेहा एंड फिलहाल मैं हूँ नाशिक में और मैं जिस रोड पे अभी खड़ी हूँ उस रोड पे आने वाली काफ़ी सारी चीज़ें मस्त है और काफ़ी व्यस्त भी है. मैं हूँ गंगावरे जो एक गांव है उसके आसपास एक रोड है जहाँ पे बहुत सारी फेमस प्लेसेस है और बहुत सारी जगह है जहाँ पे अपना पूरा दिन आप बिता सकते हो. तो सबसे पहले शुरुआत करती हूँ नाशिक के सबसे फेमस प्लेस की, सुला वाइनयार्ड्स जो है वो भी इस रोड पे ही हमें देख सबसे पहले देखने मिलता है. उसके बाद हमें साधना चूलीवर्चे मिसल का एक ब्रांच देखने मिलता है और आगे जाकर हमें आर्या रिसोर्ट जो है वो जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पर वो भी देखने मिलता है और उसके बाद पीछे यहाँ पे सोमा विलेज है. तो ये सारे स्टे के ऑप्शंस भी है और साथ में यहाँ के रेस्टोरेंट्स पे भी आप विज़िट कर सकते हो. उसके लिए आपको स्टे बुक करने की ज़रूरत नहीं है. और उसके बाद और कौन सी जगहें हैं इस रोड पे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और साथ में वी आर आल्सो गोइंग टू सी द MTTC बोट क्लब जो कि नाशिक की बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह बन चुकी है. काफ़ी लोग वहाँ पे जाते हैं. तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में इन सारी जगहों की थोड़ी थोड़ी झलक देखने के लिए. फिलहाल मैं हूँ जोंकस करके एक छोटा सा एडवेंचर पार्क है वहाँ पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा सा बैनर लगा हुआ है इस प्लेस का. तो जब अगर आप अरिया में स्टे करते हो तो आपको सिर्फ रोड क्रॉस करके यहाँ पे आना है और अगर आप सोमा विलेज में स्टे करने वाले हो तो भी आप रोड क्रॉस करके यहाँ पर इमीजिएटली 2 मिनट्स में आ सकते हो. सुला से भी ये प्लेस सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है. यहाँ पर अमानता भी है इसी जो स्ट्रीट है वहाँ पर, तो वहाँ से भी आप यहाँ पर 10 मिनट्स में आराम से आ सकते हो. तो यहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है लाइक गो कार्टिंग, उसके बाद आर्चरी, ATV राइड, जिप लाइन, फिर ये ऐसा एडवेंचर है और छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए भी. सो हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया और जब भी स्टे के साथ आसपास ही कुछ ही मिनट की दूरी पे जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है एक्टिविटीज़ करने के लिए या कोई अच्छा रेस्टोरेंट भी मिल जाता है तो ऐसे लगता है मुझे तो एटलीस्ट ऐसा लगता है कि मेरा तो स्टे कम्प्लीट हो गया.
If you're looking for a fancy restaurant in Nashik and आप कहीं खो जाना चाहते हो then come to Get Lost. ये बहुत ही cute सी जगह है अरिया रिसोर्ट के exactly सामने. यहाँ पे भी आपको सिर्फ रोड क्रॉस करके आना है. अब मैं बार बार आर्या का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हमने भी हमारा से आर्या में ही बुक किया था. तो इस वीडियो में आपको आर्या रिसोर्ट की भी थोड़ी बहुत झलक मैं दिखाऊंगी आगे जाकर. बट अभी फ़िलहाल देखते हैं ये गेट लॉस्ट कैसी जगह है. हम स्टे कर रहे थे आर्या में और इस जगह की मेन हाईलाइट है यहाँ का इन्फिनिटी पूल. यहाँ का फूड भी अच्छा है, रूम्स आर ऑल्सो गुड और इसका यूनिक स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है. तो अगर आप नाशिक में स्टे के लिए कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो आर्या इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन. और अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए इस जगह का तो उसका भी वीडियो हमारी चैनल पर अवेलेबल है, प्लीज़ जाके उसे भी देखिएगा. इस रोड की और एक खासियत है, आपको थ्रू आउट जर्नी के टाइम पे गंगापुर लेक का जो व्यू है वो देखने मिलता है. सो इस साइड पर पूरा लेक व्यू है, गंगापुर लेक, और साथ में ऑपोजिट साइड पे हमें माउंटेंस देखने मिलते हैं और बीच में सुंदर सुंदर रिसॉर्ट्स, बहुत ही अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स. सो यू विल डेफिनेटली लव दिस प्लेस. सो अगर नाशिक में कोई और जगह पर भी स्टे कर रहे होगे तो डेफिनेटली इस साइड पर आप ज़रूर आइएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. अरिया रिसोर्ट से 15-20 मिनट्स की दूरी पर है साधना चूली वर्चा मिसल, जो कि यहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेस है. और यहाँ विलेज जैसा सेटअप है, बहुत ठंडक भी लगती है, एसी नहीं है फिर भी ऐसा बहुत ठंडा माहौल है. बहुत ज़्यादा मज़ा आया, खाना भी बहुत टेस्टी था. अभी फ़िलहाल हम हैं MTDC बोट क्लब में.
एंट्री फ़ी है 70 rupees फॉर एडल्ट एंड फॉर चाइल्ड इट इज़ rupees 30। और फिर आप अपने हिसाब से कैसी बोटिंग आपको करनी है उसका पूरा चार्ट दिया होता है। और कुछ बोटिंग्स आप बुक माई शो से भी बुक कर सकते हो, और अगर आप बुक माई शो से बुक करते हो तो आपको एंट्री फ़ी पे नहीं करनी होती है। सो पहले से आप डिटेल पूरी लेके आइएगा और डिसाइड कीजिएगा आपको कैसी बोटिंग करनी है। सो चलिए देखते हैं MTDC बोट क्लब कैसा है। हमने सिलेक्ट की पैसेंजर क्रूज राइड, जिसके लिए हमने पे किए ₹375 per person और उसका ड्यूरेशन था 20 minutes का। सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थी, लुक भी बहुत अच्छा था। और एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगी, इसके लिए कम से कम 8 लोगों की ज़रूरत होती है। जब 8 से 10 लोग जमा हो जाते हैं तभी ही आप जाकर बोटिंग कर सकते हो।
सो वी होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने हमारे इस वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कॉमेंट भी ज़रूर कीजिए, और हमारी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक एवरी वन टेक केयर, बाय।